हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम समाज से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और उनके बारे में पहले संक्षिप्त जानकारी भी प्राप्त करेंगे। समाज से संबंधित वीडियो मैंने पहले बना दिए हैं। इनकी जो विस्तृत जानकारी है कि समाज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इनके जो प्रकार है उनका वर्णन मैंने पहले वाले वीडियो में कर दिया है। तो आप इन क्वेश्चनों को करने से पहले एक बार उन वीडियोज को जरूर देख लें ताकि आपको इस समाज के जो क्वेश्चन है वो सही तरीके से आप में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे समास। संस्कृत में समास की परिभाषा, प्रकार और विग्रह या और विशेषता, यानी कि इनके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे हम प्राप्त करेंगे। और मैंने बता दिया कि पहले पहले जो वीडियो थे समास से संबंधित वीडियो हैं उनके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है नवीन पाठ्यक्रम जिस लगाकर। ये नवीन तो नहीं है, पहले से ही हमारे सिलेबस में है। और आपको एक जानकारी दे दूँ कि अगर आपने भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत को लिया है तो आप समास में ये ध्यान रखना कि वहां पर आपको समास विग्रह नहीं पूछा जाएगा। मतलब आज तक नहीं पूछा गया है तो आगे भी नहीं पूछा जाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान ये रखना है कि आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। तो आप ये ध्यान में रखें कि आप ज्यादा दिमाग न लगाएं विग्रह में, जिन्होंने संस्कृत को सेकंड भाषा के रूप में लिया है। ठीक है, और फर्स्ट भाषा में भी इतने हार्ड आपसे विग्रह नहीं पूछे जाते, जैसा हम हिंदी में पढ़ते हैं वैसे ही हमारे से संस्कृत में पूछ लिए जाते हैं। तो समास आप एक जगह या तो हिंदी में अच्छी तरीके से पढ़ लो या फिर संस्कृत में अच्छी तरीके से पढ़ लो। और जब भी आप इनको पढ़ो तो दोनों सब्जेक्ट यानी हिंदी और संस्कृत दोनों में इनको साथ में पढ़ा करो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हिंदी में अलग कौन सा ऐसी चीज़ है जो हिंदी में अलग, कुछ ऐसे भी समास है जो हिंदी में नहीं है और वो सिर्फ से और सिर्फ संस्कृत में है, और कुछ नियम भी ऐसे हैं। तो आपको क्या है कि अधिक बेटर तरीके से जब आप तुलना करके पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समास की परिभाषा। तो समास की परिभाषा मैंने आपको यहाँ पे संस्कृत में बताई है। ठीक है, अनेके साम पदानाम एक पदी भवनम समास, यानी कि अनेक पदों से एक पद का निर्माण क्या कहलाता है, समास कहलाता है। यानी बहुत बड़ा मान लो कोई वाक्य है उसको एक पद में कहना, एक शब्द में कहना। ठीक है, ही क्या है वाक्य, यथा यथा यानी होता है जैसे, दिनम दिनम प्रति यानी कि दिनम दिनम प्रति को हम समास करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, प्रति दिनम। तो बहुत से एक वाक्य को एक संक्षिप्त शब्द में लिखना ही क्या होता है, समास होता है। आगे है समास के प्रकार। तो समास चार मुख्य रूप से चार प्रकार के समास होते हैं संस्कृत में, और ये पांच प्रकार के भी होते हैं, और आपको कहीं कहीं पे इनको छह प्रकार के भी देखने मिलेंगे। तो ये सब मैंने जो पहले वीडियो थे उनमें विस्तारित रूप से आपको बताया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ कि चार प्रकार के माने गए हैं, वैसे पांच प्रकार के माने गए हैं। इन इनके साथ ही केवल समास जोड़ दिया जाता है तो ये पांच प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन वो किस रूप में होते हैं ये जानने के लिए आप पहले वाली वीडियो जरूर देखें। तो चार प्रकार के समास हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये हमारे पद के आधार पर समास है, यानी कौन सा पद प्रधान होगा उसके आधार पर ये समास आपको चार बताए गए हैं। और यहाँ पे नीचे नोट बताया गया है कि तत्पुरुष समास का भेद क्रमधारी है और क्रमधारी समास का भेद कौन सा है, द्विगु है। तो आप इसी इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से होते हैं, क्रमधारी और द्विगु। द्विगु दोनों किसके भेद होंगे, तत्पुरुष समास के ही भेद होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, समास से कहते हैं तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास के दो भेद देखे थे हमने, द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होगा, द्विगु और जो क्रमधारी समास है इसका इसके भेद है, उनमें होगा ही क्या, उत्तर पद ही दोनों में प्रधान होगा, लेकिन वो अन्य विशेषता क्या होगी, द्विगु में संख्यावाची शब्द होंगे। सब पूर्व में क्या होगा, संख्यावाची शब्द होगा, तो वह कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। आगे क्रमधारी समास। क्रमधारी समास में तत्पुरुष समानाधिकरण क्रमधारी, यानी तत्पुरुष समानाधिकरण का अर्थ होगा, समानाधिकरण का अर्थ है कि दोनों दो जो पद होंगे विग्रह में, जो दो पद होंगे उनमें समान विभक्ति का प्रयोग होगा। ये क्या होता है, समानाधिकरण का मतलब होता है संस्कृत में। आगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का अर्थ होता है कि अन्य पद प्रधान होगा। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होता है कि उभय पद, उभय पद यानी दोनों पदों की क्या होती है, प्रधानता होती है। तो ये हमने जान लिया कि कौन से क्या क्या होते हैं समास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है,
समास है कितिधा भवति। आपको पूछा गया है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है समास 5 प्रकार के होते हैं। बाकी हमें जो समास के सबसे पहले आज इस वीडियो में जो प्रकार देखे थे वो पद के आधार पर देखे थे, यानी कि पद की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, और सामान्य 5 प्रकार के होते हैं। एक केवल समास भी होता है, पद की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, और नॉर्मली आपसे पूछा जाए तो समास कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज पुरुष है कह समास है अस्ति। अब आपको पूछा गया है कि राज पुरुष है कह समास है अस्ति। राजा का, राज पुरुष का अर्थ हो गया राजा का पुरुष, और आपको ये याद रखना है कि जहां पर भी आपको कारक शब्द होते हैं, जैसे कर्ता ने, क्रम को, करण से, संप्रदान के लिए, या फिर शेष जो विभक्तियों से संबंधित, या फिर कारक से संबंधित, जितने भी प्रकार के आपसे समास पूछे जाएंगे वो सब समास अपने तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। तो राज पुरुष है का अर्थ क्या होगा, राजा का आदमी, पुरुष यानी आदमी, राजा का आदमी। तो इसका संबंध कौन से कारक से होगा, संबंध कारक से होगा, ठीक है, संबंध कारक है, और संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति। अगर आपको उस विभक्तियों के तौर आधार पर आपसे समास पूछा जाए, तत्पुरुष समास में भी विभक्तियों के आधार पर भी तत्पुरुष समास को भागा गया, बांटा गया, आप इन सबको पढ़ना हो, अगर आपको डिटेल से पढ़ना हो तो जो पीछे वाले वीडियो है उनको एक बार जरूर देख ले, और वहां पे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि इनका विग्रह किस प्रकार से करना है, और इनमें हमें समास किस प्रकार से आपको पहचानना है। तो इसमें कौन सा समास हो गया हमारे, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास है, ठीक है। लेकिन हमसे डिटेल में नहीं पूछा गया, हमसे नॉर्मली पूछा गया कि इसमें कौन सा समास है, तो इसमें है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण का मतलब दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति है, ठीक है। तो राजा का पुरुष में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अगला हमारा क्वेश्चन, सुगंधि में कौन सा समास है, आपसे पूछा गया है कि सुगंधि में कौन सा समास है, तो सुगंधि का विग्रह क्या होगा, समास विग्रह शोभन है, गंध है, यस्य तत्, यानी कि जो सुगंध का क्या अर्थ होता है, मतलब शोभनम गंधा, यानी कि बहुत ही अच्छी सुगंध को क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छी गंध को क्या कहते हैं, सुगंध कहते हैं। तो इस यह किसका एग्जाम्पल होगा, बहुवीर्य समास का एग्जाम्पल होगा, सुगंधि हो गया, मीनाक्षी हो गया, सपुत्र हो गया, चित्रगु हो गया, ये सब क्या है, अपने बहुवीर्य समास के उदाहरण है, ठीक है। इसमें एक मतलब बताया गया है कि बहुवीर्य समास की विशेषता क्या होती है, बहुवीर्य समास की विशेषता होती है कि अन्य पद प्रधान होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बहुत ही अच्छी सुगंध, शोभनम गंधा यस्य तत्, शोभनम गंधा है यस्य, बहुत ही अच्छी सुगंध को क्या कहते हैं, तो बहुत ही अच्छी गंध को क्या कहेंगे, तो सुगंध कहेंगे, मतलब अच्छी गंध है तो उसे क्या कहेंगे, सुगंध कहेंगे। और सुगंध में कौन सा समास होगा, बहुवीर्य समास होगा, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, पुत्र है इत्यत्र कह समास है। आपको इसमें पूछा गया है कि अ पुत्र में कौन सा समास है, तो आपको दो समास याद रखने हैं, एक तो ने तत्पुरुष समास, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका ये रूल पढ़ा हुआ होगा कि जहां पर भी शब्द के पहले अ या फिर अन आपको दिखाई दे वहां पर क्या होगा, ने तत्पुरुष समास होगा। अब आप अगर आपका इतना ही पढ़ा हुआ होगा तो आपको ये लगा कि इसमें ने तत्पुरुष समास है, पर ऐसा नहीं है, ए और एन के साथ ही वहां पर नहीं का भी बोध होना चाहिए, ठीक है, नहीं के रूप में उनका अर्थ निकलना चाहिए ए और एन का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए पुत्र का अर्थ होता है कि उसने कार्य ऐसा किया है कि वह पुत्र कहलवाने के लायक नहीं है, जबकि इसका अर्थ ये नहीं है कि पुत्र नहीं है, वह पुत्र तो वह है। अब क्या करे, उसने पुत्र के रूप में जन्म तो ले लिया लेकिन वह कार्य ऐसे कर रहा है कि वह पुत्र कहलवाने के लायक नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, नहीं का बोध नहीं हो रहा है, उसकी उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह ऐसा कार्य कर रहा है, तो इसमें कौन सा समास होगा, बहुवीर्य समास होगा। और अ पुत्र का समास विग्रह क्या होगा, अ विधे मान है पुत्र यस्य सह, यानी कि अविद्यमान पुत्र है यस्य सह, यानी कि उसने कार्य ऐसा किया है कि वह पुत्र कहलवाने के लायक नहीं है। तो ये कौन सा समास हो गया, अपना बहुवीर्य समास हो गया। तो आपको जैसे कुछ ऐसे समासों की विशेषता है, जैसे कि एक तो अपना ने तत्पुरुष समास है,
ये थोड़ा अलग है, हमारे हिंदी में इसका प्रयोग नहीं है, संस्कृत में इसका प्रयोग है, और इसके कुछ नियम भी है उनको भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही जो अव्ययीभाव समास है उसमें भी एक रूल है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखना आपको जरूरी है, और इन अपवादों से संबंधित क्वेश्चन जरूरी पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे देखिए, अगला हमारा अतिथि। आपको अतिथि में पूछा गया है कि अतिथि में कौन सा समास है, ए प्लस तिथि। ए प्लस तिथि क्या होता है, अतिथि। इसमें अतिथि का अर्थ क्या होगा, जिसके आने की कोई तिथि ना हो। ए ए यहाँ पर किसका बोध करवा रहा है, नहीं का बोध करवा रहा है, यानी कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो वह कौन होता है, अतिथि। तब यहाँ पे क्या है, ने तत्पुरुष समास है, ठीक है। पुत्र में क्या हो रहा था, पुत्र में वह पुत्र तो था, वह नए का बोध नहीं करवा रहा था, नए का जहाँ पे बोध होगा, नहीं का बोध होगा वहीं पर क्या होगा, ने तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। ए और एन अगर कहीं और लगा हुआ है तो है, हो सकता है वह उपसर्ग के रूप में लगा हुआ हो, तो वहां पे अव्ययीभाव समास हो सकता है। तो आपको रूल याद रखना है कि ए और एन जहाँ पे नहीं का अर्थ बताते हैं वहीं पर नए तत्पुरुष समास होगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, द्वि यमुना नाम में समास है। अब आपको ये भी एक अलग से याद रखने वाला पॉइंट है आपके, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो में बताया, लेकिन यहाँ पे भी आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ कि जहां पर नदीवाचक शब्द से पहले अगर कोई संख्यावाची शब्द हो तो वहां पर हमेशा अव्ययीभाव समास होगा। अगर आपका ये पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आपको ये लगेगा कि द्वि यमुना नाम में कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा, क्योंकि आपको पढ़ा हुआ है कि जो संख्यावाची शब्द होते हैं या फिर संख्यावाची जितने भी समास होंगे वो द्विगु समास में होंगे, लेकिन संस्कृत में अलग से नियम है कि नदी वाचक शब्द से पहले अगर कोई संख्यावाची शब्द है तो वह कौन सा समास, अव्ययीभाव समास है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, द्वि यमुना नाम यानी कि दो यमुनाएं, दो यमुनायानी नदी से पहले क्या है संख्यावाची शब्द, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। पंच नदी, आपको पांच नदी नदी से पहले क्या है संख्यावाची शब्द है, तो यहाँ पर भी कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। अगला क्वेश्चन है, पंच गौनम यानी पांच गौनम, यहाँ पे हमें किसी भी नदी का बोध नहीं करवाया गया, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, हमारा द्विगु समास होगा। तो आपको इस प्रकार से थोड़े बहुत अपवाद है इनको याद रखना आवश्यक है आपके लिए, और इन अपवादों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले एग्जाम में, ने तत्पुरुष समास से संबंधित क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, अनुद्योग, अनुद्योग में कौन सा समास है, लेकिन अगर आपको पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आप इसे अनु देख कर आप इसे कौन सा समास कर सकते हैं, अव्ययीभाव समास कर सकते हैं, क्योंकि यह क्या है उपसर्ग है, और उपसर्ग जहाँ पर भी प्रयोग होते हैं वहां पर अव्ययीभाव समास होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसका अर्थ है एन प्लस उद्योग। एन का भी एक रूल होता है कि एन के पश्चात क्या आएगा, स्वर आएगा, तभी वहां पर ने तत्पुरुष समास होगा। तो इसका अर्थ क्या, इसमें कौन सा समास होगा, ने तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। तो छोटे मोटे रूल है इनको आप याद रखना। अगला हमारा उपग्रामम, उप प्लस ग्रामम, यहाँ पे क्या हो रहा है, उप उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। जहां पर भी आपको उपसर्ग प्लस कोई समास दिखाई दे या फिर अव्यय प्लस कोई समास दिखाई दे या फिर आपको ऐसे लगे कि यह अपने आप में एक निश्चित अपना अर्थ दर्शा रहा है, तो वह क्या वहां कौन सा होगा, अव्ययीभाव समास होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, घन एवं श्याम, श्याम घन का अर्थ होता है बादल, श्याम का अर्थ है क्षण, क्योंकि घन बादल के समान श्याम, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, विशेषण और विशेष्य का प्रयोग यहाँ पे किया गया, तो जहाँ पर विशेषण विशेष से उपमान उपमेय का प्रयोग किया जाता है वहां पर कौन सा समास होगा, अपना क्रमधारी समास होगा। अब क्या है कि इनका जो मेन मेन पॉइंट है, जैसे कि अव्ययीभाव समास का प्रयोग क्या कहाँ होता है, अव्ययीभाव का समास का प्रयोग वहां होगा जहाँ पर पहला पद अव्यय या उपसर्ग या फिर नदीवाचक शब्द, ऐसे जो नियम है इनको याद रखना थोड़ा थोड़ा। क्रमधारी समास क्या होगा, जहाँ पर उपमान उपमेय या फिर विशेष विशेष्य विशेषण का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, किसी की विशेषता बताई जाएगी, किसको उपमेय की संज्ञा दी जाएगी, उपमान की संज्ञा दी जाएगी, वहां पर कौन सा समास होगा, क्रमधारी समास होगा। बहुव्रीहि समास जहाँ पर अन्य पद प्रधान होगा वहां पर बहुव्रीहि समास होगा, और द्वंद्व समास जहाँ पर दोनों पद समान होंगे या फिर दोनों पदों को समान प्रधानता दी जाएगी वहां पर द्वंद्व समास होगा। और इनमें अगर आप ज्यादा याद करना चाहो तो इसके दो तीन भाग है, समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, विशेष द्वंद्व समास, इनको भी थोड़ा थोड़ा आप याद रख सकते हैं। और मैंने वैसे बता दी कि आपको अगर आपने सेकंड लैंग्वेज के रूप में अगर आपने संस्कृत लिया है तो आपसे बहुत ही आसान आसान
से समास ही पूछी जाएगी, ज्यादा गहराई में जाकर आपसे समास नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपसे गहराई में जाकर समास पूछ लीजिए तो वो सभी जो स्टूडेंट होंगे उनके मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन करेंगे। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप किसी और जो भी आपका और जो आपको कठिन टॉपिक लगे उसमें ज्यादा ध्यान लगाएं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समाहार द्वंद्व का उदाहरण दिया। आपको इसमें पूछा गया है कि जो समाहार द्वंद्व के जो तीन प्रकार होते हैं उनमें से समाहार द्वंद्व का उदाहरण दिया। तो सबसे पहले हम इनका अर्थ देख लेते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। लेकिन आपको इसमें यह पता होना चाहिए कि समाहार द्वंद्व की विशेषता क्या होती है, एक से एक द्वंद्व की विशेषता क्या होती है, और वो इतरेतर द्वंद्व की विशेषता क्या होती है। तो वंशी वर्णम का अर्थ होता है वंशी और वीणा। ठीक है, युक युक का अर्थ होता है जू, जो जू होती है उनको संस्कृत में युग कहते हैं, युग लक्षणम, युग लक्षणम यानी लीक। ठीक है, तो वीणा वंशी या वंशी और वीणा युग यानी जू और लीक। अहिन कुलम यानी अहिन का अर्थ होता है सांप और नेवला, और पितरों का क्या अर्थ होगा, माता और पिता। आपको इनका अर्थ आप देखोगे तो आपको ऐसे मतलब अर्थ में तो आपको सेम ही लग रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पितरो जो शब्द है यहाँ पर यह है एक से द्वंद्व के रूप में है। यहाँ पर पितरों का अर्थ माता और पिता न होकर पिता मात्र है, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को एक संक्षिप्त शब्द में बांध दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इसका उदाहरण क्या होगा, पितरो। पितरो क्या है, एक शेष है। आपको संधियों के आधार पर जो माता और पिता के जो समास है उसको संधियों के आधार पर आपको देखना होगा, क्योंकि पितरो यहाँ पर क्या कर रहा है, माता को भी अपने आप में समेट रहा है, और एक सिर्फ एक शब्द का ही मतलब पिता मात्र का ही बोध यहाँ पे करवा रहा है। तो यह क्या है, एक शेष द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला हमारा क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रमधारय समास का विशेषता क्या होती है। तो क्रमधारय समास की विशेषता होगी जहाँ उपमान उपमेय या फिर विशेषण विशेष्य का प्रयोग जहाँ पर किया जाता है, किसी को उपमान की संज्ञा दी जाती है फिर उपमेय की संज्ञा दी जाती है, तो वहां पर क्या होगा, क्रमधारय समास होगा। तो हमारा पहला क्या है, घनश्याम, दूसरा हमारा पीताम्बर, तीसरा दधी श्वेता है, चौथा है कर्षण सर्प है। तो आपको पता होगा कि घनश्याम दधी श्वेता है और कर्षण सर्प है, इन सब में क्या हो रहा है, विशेषण विशेष्य का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जो पीताम्बर है यह क्या है, बहुव्रीही समास है। और आपको पीताम्बर का आपको अगर एग्जाम में अगर आपको पीताम्बर से संबंधित समास विग्रह पूछा जाए तो आप जहां तक हो सके उस जो भी आपको श्लोक दिया हुआ हो या फिर जो पद्य दिया हुआ हो गद्य दिया हो उसमें आप देखें कि यहाँ पे किस रूप में पीताम्बर का प्रयोग हुआ है। क्योंकि पीताम्बर में हम देखते हैं क्रमधारय समास भी होता है और बहुवीर्य समास भी होता है। जहां तक होता हो सके आपको पीताम्बर में बहुवीर्य समास का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ पिल्ले हैं जिसके अंबर अंबिर यानी वस्त्र। तो अगर आपको एग्जाम में आप पीताम्बर से संबंधित आपसे सवाल पूछा जाए तो आप उस श्लोक में या फिर उस पद्य में देखें कि इसमें किस अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है, उस अर्थ के आधार पर ही पीताम्बर का आपको वहां पे समास बताना है। अगर कोई साधारण व्यक्ति पीले वस्त्र पहने हुए हैं तो वहां क्या हो रहा है कि उसकी विशेषता बताई जा रही है। अगर कोई साधारण व्यक्ति पीले वस्त्र पहने हुए हैं तो वह क्या है, क्रमधारय समास होगा। लेकिन अगर किसी विशेष देवता के रूप में अगर इसका बोध हो रहा है तो वहां क्या होगा, बहुव्रीही समास का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला हमारा है हिम्मत से अत्यंत, यह है हिम्मत से अत्यय है। इसका आपसे एक विग्रह में समस्त पद यानी पूरा पद आपसे इसमें पूछा गया है, हिम्मत से अत्यय है यानी अत्य यानी अत्यधिक हिम की जोर से वह अत्यधिक हो रहा है। तो अत्य से आप क्या लगाओगे, अत्यधिक अति हिम है। ठीक है, हिम क्या हो रही है, अत्यधिक वर्षा हो रही है, हिम की बर्फ की अत्यधिक वर्षा क्या कहलाती है, अति हिमम। अगला हमारा क्वेश्चन है छात्रश्च छात्रः च है। तो यहाँ पर कौन से का समस्त पद क्या होगा, छात्रो। ये आपको वीडियो में देख लेना किस प्रकार से होगा, वहां पे अच्छी तरीके से बताया गया है। मीनाक्षी, अब आप मीनाक्षी शब्द है ये पहले सुगंधित शब्द आया था, इन शब्द का अपने आप में एक विशेष अर्थ निकलता है। मीनाक्षी का अर्थ होता है मीन यानी मछली की समान आंखों वाली,
मछली के समान आंख वालों क्या कहा जाता है, मीनाक्षी कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन समास होगा, भाववीरिय समास होगा। ठीक है, ए पुत्र है, मीनाक्षी है, और वो अपने सुगंध है। इनमें क्या हो रहा है कि सब एक वाक्य है, उसके आधार पर एक अन्य शब्द निकल के आ रहा है। तो यहाँ सब में कौन सा समास होगा, भव्य समास होगा। मीनाक्षी का अर्थ होता है मीन के समान, अक्षी अक्षी यानी आंख वाली, मीन यानी मछली के समान आंख वाले क्या कहते हैं, मीनाक्षी कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, अपना बहुवीर्य समास हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है क्रम फलम, यानी क्रम का फल। इसमें क्या हो रहा है, कारक शब्द का, कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो कारक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, तत्पुरुष समास में होता है। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन होगा अधोलिखित में से भिन्न पद है, यानी कि जो नीचे हमें चार जो समासिक पद दिए हुए हैं उनमें से भिन्न पद कौन सा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एन प्लस अश्व, एन प्लस अश्व, एन प्लस उदार, एन प्लस आर्या, ए प्लस सत्यम। तो आप इन सब में देखोगे, इन सब में क्या है, नए तत्पुरुष समास ही है। इन सब में समास तो कौन सा है, नए तत्पुरुष समास ही है। ठीक है, लेकिन जो असत्य है, असत्य क्या है, इन सबसे भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एन का प्रयोग हो रहा है तीनों में, और इसमें असत्य में ए का प्रयोग हो रहा है। तो भिन्न शब्द कौन सा होगा, असत्य होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है उपकर्षणम में समास है, उपकर्षणम। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उप उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर उपसर्ग का जो प्रथम पद होता है, या फिर प्रधान, अगर प्रथम पद प्रधान होता है तो वहां पे क्या होगा, अव्यभाव समास होगा। तो इसमें कौन सा समास होगा, उपकर्षणम में अव्यभाव समास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से भिन्न है। आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है। अगर आप इन सबका अर्थ भी ना पता हो तो आपको देखो, यहाँ पे दस आनंद, यानी दस है आनंद जिसके, ये अपने आप में बहुव्रीहि समास है। त्रि चित्रगु, यानी चित्रगु यानी चित्रा गाव है यसे, और रूपवर्धन भार्य यानी रूपवती भार्या। लेकिन जो नीलकमलम है, नीलकमलम क्या है, ये सब क्या है, एक विशेष अर्थ में, विशेष शब्द के अर्थ में रूढ़ हो रहे हैं ये सब। तो इसमें कौन सा बहुव्रीहि समास में इन तीनों में है, और नीलकमलम, नीलकमलम यानी विशेषता इसमें बताई जा रही है। तो ये क्या है, क्रमधारी समास है। तो इनमें भिन्न कौन सा होगा, क्रमधारी समास इन सब में भिन्न होगा। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, नीलकमलम। अगला हमारा क्वेश्चन है प्राय पूर्व पद प्रधान होता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो पूर्व पद प्रधान किस में होता है, अव्यभाव समास में जो पहले वाला पद होता है वह क्या होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है, और द्विगु समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है। वाग्यर्थ, वाग्यर्थ प्लस ईव, आपको ये ध्यान में रखना है कि वाग्यर्थ प्लस ईव में कौन सा समास है, एक शेष समास है। और एक केवल समास कौन से, केवल समास के बहुत ही कम ही उदाहरण है, केवल समास है वाग्यर्थ में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है अन्य पद प्रधान कौन सा है। अन्य पद प्रधान आपको पता होगा बहुव्रीहि में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। तो इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आए हों। धन्यवाद।